ये सारे तकिए मैंने इसी तरीके से बनाए हुए हैं। आज हम कुशन कवर बनाना बताएंगे जिसकी चौड़ाई और लंबाई 17 इंच और लंबाई भी 17 इंच है। मान के चलिए हमें 16 इंच का 16x16 का हमें कुशन कवर बनाना है, तो हम चारों तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यानी कि 17 इंच। 1 इंच ऐसे हो गया, आधा ये और आधा इधर का हो गया 17। इस तरीके से मिला के 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऐसे में भी एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से भी हम एक्स्ट्रा लेंगे सुबह। और फिर मैंने इसको ये जो कपड़ा कटिंग करा है सेम मैंने इसी तरीके से काटा है। 17x17 का मैंने एक पीस काट लिया है, 17x17 का मैंने एक पीस काट लिया है। इस तरीके से हम चौड़ाई इसकी ये मैंने लगाया है 16x16 का है, मगर 1 इंच मिला के एक्स्ट्रा करके 17 आएगा। इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा काटा मैंने, 17x17 का हमने एक पीस काटा है। अब इसके बाद सबसे पहले इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ बीचम बीच में एक निशान लगाएंगे। सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद तरीके से कट लगाएंगे बीचम बीच में। ये हमने कट लगा लिया है। अब इसके बाद इस कट से 3 इंच इधर लेंगे और इसी कट से 3 इंच इधर लेंगे जी। ये हमने ले लिया है। अब इसके बाद ये यहां से चारों तरफ सिलाई करनी है। ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा सिलाई करनी है। निशान पड़े हैं यहां से यहां तक सिलाई नहीं करनी, बाकी में सबसे सिलाई करनी है। यहाँ पे सिलाई को पक्का करेंगे थोड़ा सा। इस तरीके से अब हम इसको सीधा करेंगे। एक मैं आपको टिप्स देने चाहती हूँ सीधा करने से पहले। ये कई लोग होते हैं कि इसमें कॉर्नर में इस तरीके से कट लगाते हैं, इस तरीके से कट ना लगाकर आप इस तरीके से कट लगाएंगे तो ज्यादा बेटर कॉर्नर निकलेगा। देखिए इससे मैंने कट लगाया है, ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है ये पूरा। देखिए
देखिए बिना किसी कुछ करे कितना प्यारा कोना आया। देखिए अब ये जो हमने गैस छोड़ा है इसके अंदर हम रुई भरेंगे। ये कुछ बच्चों के मेरे पास तकिए रखे हुए हैं, हम इसी की रुई की फिलिंग करेंगे तकियों के अंदर। चलिए करते हैं, पहले इसको खोलते हैं फिर करते हैं। ये मैंने सारी रुइयां निकाल ली हैं। सबसे पहले इस रुई को फ्लॉपी बनाएंगे इस तरीके से खींच खींच के, जिससे कि थोड़ी सी रुई काफी ज्यादा हो जाए और हमारे तकिए भी फ्लॉपी बने। इस तरीके से हम कर लेंगे, इस तरीके से हम सारी रुई कर सकते हैं। देखिए हमारी रुई कितनी फ्लफी हो गई है। इस तरीके से हम सारी रुई कर लेते हैं।